मास्टर शेफ रविंद्र सिंह करनौत, ठिकाना भाकरी, ये बताएंगे आज हल्दी की सब्जी कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने तैयारी कर ली है, टमाटर यहाँ काट लिए हैं, हल्दी छील लिए हैं और सबसे पहले घी लिया है, घी को गर्म किया। कितनी देर तक फ्राई करेंगे? जब तक हल्दी की खुशबू नहीं आ जाती। अच्छा, जब तक इसमें हल्दी की खुशबू नहीं आएगी तब तक इसको घी में फ्राई करेंगे। इसी तरह से पकाएंगे, फिर बाहर निकाल के रख देंगे। मीडियम आंच है ये, इस पर फ्राई करते रहेंगे। यहाँ अपनी टीम लगी हुई है हल्दी की सब्जी की तैयारी में, हम सब मटर छील रहे हैं, सीपी बना लहसुन छील रहे हैं। आप क्या कर रहे हो पूरन साहब? प्याज को मई कर रहे हो? आप प्याज को मई कर रहे हैं, मतलब बारीक काट रहे हैं। अरे भाषा में इसको सर्दी में हल्दी की पाल्टी बोलते हैं। सर्दियों में हल्दी खाई जाती है यहाँ हमारे राजस्थान में। ये क्या है कि स्वाभाविक गुण इसका है कि शरीर में गर्मी होगी और तो ये सर्दियों में ही खाई जाती है। शादी ब्याह त्योहारों में इसको एक वीआईपी। जी, अभी क्या मटर को फ्राई कर रहे हो? हाँ, मटर को फ्राई करने के बाद इसको घी से निकालेंगे। अच्छा, ये मटर भी घी में फ्राई कर रहे हैं। तो पहले हमने हल्दी को फ्राई किया था घी में, फ्राई करके बाहर निकाल दिए। अच्छे से फ्राई हो गए हैं हल्दी, फिर अभी मटर की बारी है। फिर मटर के बाद क्या? अच्छा, गोभी को भी आप फ्राई करोगे? अच्छा, फिर हमने फूल गोभी को भी फ्राई करना है। अब बारी है गोभी फ्राई करने की। पहले हमने हल्दी को फ्राई किया, फिर हमने मटर को फ्राई किया, अभी ये फूल गोभी को फ्राई कर रहे हैं हम मीडियम आंच पर। तीनों को फ्राई करने के बाद कौन सा प्रोसेस आएगा? फिर धनिया और ये मसाला बनाएंगे दही के अंदर। फिर अच्छा मसाला बनाएंगे दही के अंदर, फिर घी डाल के प्याज और हरी मिर्च और टमाटर इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, अभी ये फ्राई हो जाएगा, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। हल्दी की सब्जी बहुत गुणकारी होती है और ये देसी घी में बनाई जाती है। ये सिर्फ देसी घी में बनाई जाती है, इसमें पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। पानी तेल इनका बिल्कुल यूज नहीं होता है। तो हमने हल्दी को भून लिया है, मटर को भी भून लिया है और ये मसाला तैयार कर लिया है, टमाटर, हरी मिर्च और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, प्याज, गोभी, गोभी को भी फ्राई किया है। अब अगली तैयारी कर रहे हैं, बड़ा सा भगोला लेके आए हैं बालाजी टेंट हाउस से। अब नहीं दे रहा हो तो और रख दियो। ठीक ठीक है, ये अब देसी घी डाल रहे हैं। उठेगो? ओके, सुबह ना जीरा, ये जीरा डाल दिया है। पानी तो नहीं डाली था गंदम? जीरा और प्याज, जीरा और प्याज, जीरा तो खूब है। ओ यार खूब है, मैं कोई नहीं लाया, मैं हो गया तो हो गया। आवाज जोरदार है। जीरा और प्याज को मीडियम आंच पर फ्राई कर रहे हैं। फुल आंच पर? फुल आंच पर कर रहे हैं क्योंकि भगोला बड़ा है इसलिए। अच्छी तरह से भुन गए हैं, अब इसमें मिर्च, हरी मिर्च, अब इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं। ठीक है, एक आधा टमाटर भी चल जाएगा साथ में।
बचा हुआ घी इसमें यूज ले लेते हैं। इसमें हमने गोभी को भुना था, मटर को भुना था और हल्दी को भुना था। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट मिला दिया है, उसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके बाद क्या भुनेंगे? टमाटर डालेंगे। अब इसके बाद टमाटर डालेंगे। भगोले के लिए ढक्कन देख रहे हैं, सही ये सही रहेगा। लहसुन डालने के बाद अपन को इसको लगातार हिलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि लहसुन और अदरक चिपकने की संभावना हो जाती है। लगातार इस तरह से हिलाते रहना है। अब इसमें हमने डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर तो जल्दी पहले से ही फ्राई किए हुए थे मटर, तो ये अभी मटर भी डाल दिए हैं। टमाटर को घी में फ्राई किया था, इनके साथ ये मटर हो गए। अभी किसकी बारी? गोभी। मटर के बाद गोभी, ये गोभी भी डाल दिए हैं। अच्छे से हिलाकर थोड़ी देर सबको अच्छे से मिला देंगे। रंग बिरंगी सब्जी बन रही है, लाल पीली हरी। थोड़ा घी कम पड़ गया इसमें। ये घी हमने यूज किया अमूल का, 1 किलो लाए थे घी। हल्दी कितने किलो है? 3 पाव। हल्दी 3 पाव है, 1.25 किलो हल्दी है, 1 किलो घी हमने यूज लिया है। इस तरह से सबको बारीक कर लेते हैं ताकि कोई बड़ा टुकड़ा ना रहे गोभी का टमाटर का। अब ढक्कन लगा दिया है, 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है।
तेज आंच पर। मिर्च तो ठीक है जब ज्यादा तीखी हो। हाँ एक मिनट, इसमें क्या क्या मिला है मसाले में? मिर्च, लाल मिर्च, सबसे पहले दही लिया, दही में सूखी लाल मिर्च, धनिया और नमक, और नमक, फिर तीन चीज़ें डालकर ये मथनी है। इसे हमने पूरा इसको अच्छे से मिला लिया, अच्छे से मिला लिया है। दही एक लीटर है, एक किलो दही है। ठीक है, अभी ये मसाले अच्छी तरह से सभी भुन गए हैं और बस इसमें हम ये दही का मसाला डाल रहे हैं, जिसमें हमने नमक, मिर्ची और धनिया ये डालकर मसाला बनाया था। अब इनको अच्छे से मिलाएंगे। बढ़िया ग्रेवी लग रही है। ये बिल्कुल देसी तरीका है हल्दी बनाने का। दस मिनट हो गए हैं ढक्कन दे के मसाला को पकाते हुए, अच्छी तरह से ग्रेवी बन गई है, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, बड़ी खुशबू आ रही है। अब इसमें हल्दी डालेंगे जो पहले से घी में भुनी हुई है। देर और ढक्कन देके पकाएंगे 5 मिनट। हरा धनिया की चॉपिंग हो रही है। हरा धनिया बहुत जरूरी है हर सब्जी में, स्वाद इससे जायका बढ़ जाता है खाने का, स्वाद के लिए, स्वाद के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पांच मिनट और पका लिया है। अब इसमें हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी घी में थी इसलिए जम गई थोड़ी, ठंड का मौसम है। हल्दी को अच्छे से मिलाएंगे। बचा हुआ घी इसमें वापस डाल रहे हैं, ठंडा हो गया है। लगभग 10 मिनट और पकाने के बाद हमारी हल्दी बहुत शानदार बन गई है। थोड़ा और पका रहे हैं, फिर हम लास्ट में हरा धनिया डालेंगे।
बढ़िया। पाँच मिनट और पकाने के बाद हमारी हल्दी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। सारे मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं, ग्रेवी हो गए हैं। गार्निशिंग की जा रही है पनीर से। ये देखिए बिल्कुल हाईवे पर जैसे आपको गार्निशिंग करके देते हैं उसी तरह से बनाइए। ये हरा धनिया, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। गैस हमने बंद कर दिया है। अब क्या कहना होगा इस सब्जी का कमेंट करके जरूर राय दें।